जैसे बना के रखे हैं इस तरीके से हमें और देखिए इस तरीके से इनकी जो किनारियां हैं इन किनारियों को हमें इस तरीके से और अगर आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से इसमें हल्का सा डिजाइन दे सकते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से हमें इसमें चारों तरफ बाकी को भी मैंने इस तरीके से कंप्लीट करके रख लिया। मैं एक एक करके इन्हें आराम आराम से फ्राई करना है। फूले फूले से और एकदम लाजवाब तरीके से यहाँ पे हमारे गुजिया बनके तैयार हो गए। इस तरीके से इनका सारा ऑयल निकाल लेंगे और इन्हें एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। और इन्हें हमें क्या करना है, इस तरीके से चाशनी में डुबो लेना है। हल्का गुनगुना चाशनी है, गुनगुनी चाशनी में इन्हें इस तरीके और एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से देखिए हमारी जो चंद्रकला गुजिया है, देखिए किस तरीके से बन जाएगी। इसमें अंदर तक ये देखिए रस किस तरीके से भरा हुआ है, एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से देखिए हमारी एकदम रस भरी और परफेक्ट तरीके से हमारी चंद्रकला गुजिया बनके तैयार हो गई। देखिए अंदर से देखिए कितना रस भरा हुआ है, एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से हमारी चंद्रकला गुजिया बनके तैयार हो गई।